मेरे जीवन में बहुत सारा हिट गाना दिया है जो मेरा छोटा भाई भी है और छोटा भाई बेटा भी होता है। देखो भोजपुरी में कहावत कहा जाता कि देखा में छोट लागे घाव करे गंभीर, यही भाव इस बच्चे पे लागू होता है। देखने में तो नहीं महसूस होगा बट काम में बहुत सीनियरिटी है, मेच्योरिटी है। और क्या होता है, आ जा बेटा मैं चाहूंगा खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए, ये एक भाव है। कुछ बोलेंगे आप सभी लोगों को, आपके छोटे भाई प्रियांशु का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों के बीच खड़ा होने का मौका मिला है मुझे, तो दिल से थैंक यू रमेश भैया को, सुधीर भैया को। और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि एक गांव का रहने वाला लड़का जिसकी हजारों औकात नहीं थी, जिसके पास मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, उसे अपना फॉर्च्यूनर पर बैठा दिया। ये सब इनका प्यार है, ये हमारे भगवान इनका आशीर्वाद है। पवन सिंह के अंदर कोई ताकत नहीं, और ये आपका मेहनत है। लोग बोलते हैं कि हमारे टेक्नीशियन, हमारे संगीतकार, हमारे राइटर के पास ये है, हमारे पास वो है। तो आप लोगों को आज तक कभी मंच पर नहीं बोला, लेकिन आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि जब ये मुद्दा उठा था तो मैं तो, लोग जानते हैं कि मैं भैया बोलता हूँ, लेकिन हमारे गार्जियन भी है, मैं चाचा भी बोलता हूँ, भैया भी बोलता हूँ। तो इन्होंने एक बात बोला कि बेटा, लोग बोलते हैं कि एक मिनट, लोग बोलते हैं कि लोग गाड़ी बोलते हैं, चैन बोलते हैं, भंगड़ा बोलते हैं, बेटा जाओ तुम कैश गाड़ी खरीद के लाओ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई संगीतकार को कैश में फॉर्च्यूनर खरीदवाता है तो उनका नाम श्री पवन सिंह है। आप लोग जोर दर ताली बजाते नमस्ते। हरि गंगा जी
भाई को वही रो बुलावे तो भगे तो भाई को वही रो बुलावे तो भगे तो भाई निमिया का हाथी यही ले ला थोड़े
सभी को दिल से धन्यवाद, सभी को दिल से प्रणाम जो आप लोगों ने मुझे इस माहौल में बुलाने के लायक समझा। दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू, थैंक यू सो मच।